करोड़ों साल पहले कीपर नाम के एक एलियन ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत को डायनासोर्स के हवाले किया था। तुम्हें एनर्जेम्स को सुरक्षित रखना होगा। करोड़ों साल बाद वो एनर्जेम्स रेंजर्स को मिले और शैतान स्लेज ने उन्हें हासिल करने की बेजोड़ कोशिश की, पर रेंजर्स ने उसे हरा दिया। पर उसके खात्मे के बाद आया एक नया खतरा। उसे रोकने वाले हीरो सिर्फ एक ही हैं। डायनो चार्जो रेडी। पावर रेंजर्स डायनो सुपर चार्ज। देखो कोडा, पिछले 100,000 साल में यहाँ काफी कुछ बदल गया है। ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स? यहाँ तो तलवार और भाले हैं ही नहीं और तीर कमान भी नहीं है। इससे तितलियाँ पकड़ेंगे? तितलियाँ नहीं नहीं, इससे खेलते हैं टेनिस। तुम्हें खेल पसंद है हाँ? मुझे पता है कौन सा मॉन्स्टर इनका खेल खत्म कर सकता है। घोड़ा, तुम्हें टेनिस बॉल थोड़ी धीरे से मारनी होगी। पर मुझे धीरे मारना पसंद नहीं। फिर तो तुम्हें रग्बी खेलना चाहिए दोस्त, ये न्यूजीलैंड का फेवरेट स्पोर्ट है। तुम्हें बस भागते हुए जाना है पेड़ की दूसरी तरफ उस बॉल के साथ, पर पहले तुम्हें हमसे गुजरना होगा जो कि तुम नहीं कर पाओगे। चलो कुछ और ट्राई करें। गोल्फ, तुम उस छोटी सी बॉल को जितना हो सके उतनी जोर से मारो। ठीक है। और ये लो। इस तरह हे, संभल कर। सॉरी। चेहरा आगे। अजीब लगता है। भरोसा रखो, ये सही है। अब सोचो कि ये बैट तुम्हारी गदा है और जब कुछ तुम्हारी तरफ आए तो उसे मारना, आदि मानव की तरह। कोडा, संभल कर, मॉन्स्टर्स। चलो खेले रेंजर्स। रुको ने, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, भागो, चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। खेल खत्म रेंजर। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा सामान फ्लूक से लगा, अब मेरी बारी। चलो हो जाए थोड़ा भयानक टेनिस। सर्व करो कैनन बॉल्स। संभल कर। अब फेंको जानलेवा फुटबॉल्स। अब हो जाए थोड़ा खतरनाक बेसबॉल। बेसबॉल? तैयार हो जाओ डूम स्क्वाड, और चलो दिखा दो। क्या? इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं पकड़ता हूँ। वो लड़का तो कमाल है। लगता है वो चला गया। थैंक्स कोडा। बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। थैंक्स। शुक्र है। हे बच्चे, मैं हूँ टेड। मैं अर्थक्वेक्स बेसबॉल टीम का हेड स्काउट हूँ। वाह, मैंने इतनी अच्छी हिटिंग करते हुए किसी को नहीं देखा है। क्या तुम हमारी टीम में आकर बेसबॉल खेलना पसंद करोगे? क्या मैं पसंद करूँगा? और नहीं तो क्या, तुम्हें मजा आएगा। एक सेकेंड कोच। कोरा, मैं बेसबॉल की छोटी से छोटी बारीकियों के बारे में जानता हूँ। तुम्हारा हुनर और मेरी नॉलेज और ट्रेनिंग प्लान, हम दोनों मिलकर इतिहास रच देंगे। ये अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा। ओके, मैं खेलूंगा। ग्रेट, तुम सुपरस्टार बनने वाले हो बच्चे।
अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? आपके दिए हुए सारे सिपाही मेरे टीम में खेलने के लायक ही नहीं है। ये सच है, सारे के सारे एकदम आलसी और सुस्त हो गए हैं। तुम तैयारी करो गेम फेस, मैं तुम्हें रेंजर्स को खत्म करने का एक और मौका देता हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूँगा मास्टर हैकल। मुझे यकीन है इस साल एम्बर बीच अर्थक्वेक पहुँच कर ही रहेंगे फाइनल्स तक, और हमें वहाँ तक पहुँचाने का सबसे जरूरी काम करेगा हमारा सबसे नया प्लेयर कोडा। ये कोडा। शुरू करने से पहले मैं अपनी पहचान करवा देता हूँ। मेरा नाम है राइली ग्रिफिन, मैं हूँ कोडा का पर्सनल ट्रेनर और कोच भी। अब क्या किसी को इससे कुछ पूछना है? तुम रेड टाई वाले कोडा, तुम बेसबॉल कितने सालों से खेल रहे हो? मेरी मॉम कहती थी मैं गदा लेकर पैदा हुआ था। हमने सुना है तुम नंगे पांव खेलना पसंद करते हो। ये सच है, जूते उंगलियां कुचलते हैं। क्या कोडा सच में ये सब चाहते हैं? देखिए सब लोग शांत हो जाइए, एक एक करके सवाल। कह तो रहा है। कोडा तुम्हारी पैदाइश कहाँ की? मैमथ के शिकार पर। वो ठीक है, यहाँ पर आने के लिए थैंक यू, अब हम फील्ड पर मिलेंगे। शायद अगली बारी कोड़ा की है। मैं बहुत नर्वस हूँ। फिक्र मत करो, मैं अपना लकी हॉर्न लाया हूँ। क्या हमारा है अर्थक्वेक्स के लिए कोड़ा? चलो मैं तैयार। क्या मुझे जूते पहनने होंगे? हाँ कोड़ा, सभी प्लेयर जूते पहनते हैं। मैंने एक नया डायनो चार्ज बनाया है, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन और पिंक एनर्जेम से। इससे तुम सब एनर्जेम के वेवलेंथ के जरिए एक बेहतरीन फाइनल स्ट्राइक बना पाओगे। मैंने इसे नाम दिया है डायनो विक्ट्री चार्जर। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कहते हैं कि सारे खेलों में एक मेजर लीग फुटबॉल को हिट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे ये गेम खेलना तो आता था, पर तुम जितनी काबिलियत नहीं थी। दोस्तों क्या हो रहा है? मिस मॉर्गन ने एक नया डायनो विक्ट्री चार्जर बनाया है जो तुम दोनों के एनर्जीम की ताकत इस्तेमाल करेगा। हमें तुम दोनों की जरूरत है उसे टेस्ट करने के लिए। ठीक है। अरे नहीं,
हमें बैटिंग प्रैक्टिस करनी है, भूल गए? माफ करना दोस्तों, हम ये टेस्टिंग अभी नहीं कर सकते। तो फिर कब करेंगे? वो स्पोर्ट्स मॉन्स्टर अभी जिंदा है और ये नया चार्जर हमें तैयार रहने में मदद करेगा। राइली, हमें तैयार रहना होगा। और हम तैयार रहेंगे, भरोसा रखो। चलो कोडा, चलते हैं। सॉरी दोस्तों। जानता हूँ, वजन पीछे की तरफ है। अगर हम ये गेम जीत गए तो कोडा हम पहुंच जाएंगे चैंपियनशिप्स में। चैंपियनशिप्स में पहुंच गए कोडा। हाँ अच्छा है। और तेज, एक कछुआ भी इन पत्थरों को तुमसे तेज चला लेगा, इससे इन्हें जोश मिलेगा। ये हुई ना बात, वो रेंजर्स तुम्हें कभी हरा नहीं पाएंगे। वहाँ कुछ दर्जन भर सिपाही होंगे, शायद ज्यादा भी। चाहे तुम कितने भी माहिर हो जाओ, अपने बेसिक्स कभी मत भूलना। नजर मिस मॉर्गन को कुछ एलियन सिपाहियों का पता चला है। हमें जाकर पता लगाना होगा वो क्या कर रहे हैं। अभी एक घंटे में चैंपियनशिप गेम शुरू होने वाला है। अफसोस इसकी टाइमिंग गलत हो गई, लेकिन ये कुछ सीरियस भी हो सकता है। हाँ, ये सीरियस हो सकता है, तो वहाँ जाओ और देखो क्या हो रहा है। हो सकता है कि वहाँ कुछ भी ना हो, राइट? और कुछ हुआ तो? ठीक है, अगर वहाँ पर कुछ हुआ और तुम्हें हमारी जरूरत हो तो बस हमें बुला लेना, हम फौरन वहाँ जाएंगे। ठीक है, चलो चले। चलते हैं। ये सही नहीं। कुछ भी, एक बार बेसबॉल चैंप बन जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। हम इतने करीब है अपने सपने के कोड़ा। चलो भी टीम, तुम सब ट्रेनिंग कर रहे हो या कोई मजाक? वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। रेंज, मेरा बैग काम नहीं कर रहा, इसमें तो धमाकेदार ताकत होनी चाहिए। ये काम नहीं कर रहा क्योंकि ये तुम्हारा बैट है ही नहीं। देखो, इसमें बारूद नहीं है, ये सिर्फ लकड़ी से बना है। तुम मेरा बैट कहाँ है? एक मिनट, अब हो जाए थोड़ा खतरनाक बेसबॉल। मैं पकड़ता हूँ, मेरा धमाकेदार बैट उस रेंजर के पास है। अरे हाँ, तभी तो ब्लू रेंजर इतने सारे होम रन मार रहा है। कमाल हो गया। आखिर इसमें क्या कमाल हो गया? मेरा बैट सिर्फ धमाकेदार शॉट्स नहीं मारता, वो धमाका भी करता है। हम उसके करीब जाते ही उसे उड़ा देंगे और वो सारे रेंजर्स एक साथ धुआं हो जाएंगे। तुम कितने होशियार हो। हैंडसम भी। राइली, कोडा, जवाब दो। कोडा, तुम सुन रहे हो? इससे पहले कि वो बैट राइली, कोडा या किसी को भी नुकसान पहुंचाए, हमें स्टेडियम जाना होगा। चलो चलो चले। आ रहे हैं एम्बो बीच अर्थक्वेक्स, जल्दी से आ जाओ। चलो 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 राइली। हे दोस्तों, तो सब ठीक है ना? गुड, कोडा को अभी फील्ड पर जाना है। तुम्हारा बैट असल में उस मॉन्स्टर का है। मेरा जरूर उससे लड़ते वक्त बैट्स अदला बदली हो गए होंगे। तुम्हारे पास जो बैट है वो फटने वाला है। हमें इसे यहाँ से ले जाना होगा अभी। कोडा, हे, वो सब बैट को ठिकाने लगा देंगे, हमें अभी गेम जीतना है। पर राइली, माना ये चैंपियनशिप गेम है, पर फिर भी एक गेम ही है। कोडा प्लीज, हमें ये करना ही होगा। मेरे लिटिल लीग से हुए मेरे पहले बेसबॉल गेम से लेकर अब तक मैंने हमेशा से एक बिग लीग चैंपियनशिप जीतने का सपना देखा था। मैंने ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की, पर मुझ में वो खास काबिलियत कभी नहीं आई जिसकी बिग लीग्स में जरूरत होती है। पर तुम में वो है कोडा। राइली, तुम में तो उससे भी खास काबिलियत है, तुम में है रेंजर काबिलियत। वो रेंजर्स हमारी टीम है, उन्हें हमारी जरूरत है। तुम सही हो, वाकई क्या जरूरी है ये याद दिलाने के लिए। थैंक्स कोडा। चलो। नहीं, हम अभी स्टेडियम के सारे लोगों के बहुत करीब हैं। ओह नो, उन रेंजर्स के पास है तुम्हारा बैट। शुरू किया जाए, रेंजर्स तो अब गए समझो। अब कोडा फेंको इसे।
चलो वो गया, कोई बात नहीं, पर अब तो मेरे जादुई बैट के बिना एक भी होम रन नहीं मार पाओगे। जादुई बैट? इसका मतलब मैंने खुद होम रन नहीं मारा? शायद कुरा, शायद। ट्रेनिंग खत्म हुई डूम स्क्वाड, अब शुरू करो तबाही। चलो हो जाए। चलो उन्हें दिखा दे, अब वो देखेंगे असली खेल बास्केटबॉल। अब तुम सब देखो खेल खेल में क्या होता है। पकड़े रहना। वो रेंजर्स उसके डून स्क्वाड को कभी हरा नहीं पाएंगे। जीत तो पक्की है, चलो यहाँ से चले। ये सिर्फ एक बास्केटबॉल है, वो कोई मामूली बॉल नहीं है। ओह नो, नहीं नहीं। दोस्तों उठो, हमें उस बॉल को रोकना ही होगा। फ्री थ्रो। ठीक हो, हम जीत रहे हैं। गाइस रुक जाओ, मैं वो नया डायनो विक्ट्री चार्जर ले आई हूँ। इसे बिना टेस्ट के इस्तेमाल करना रिस्की है, पर शायद इसे बात बन जाए। ये रिस्क लेना ही होगा, पर पहले हमें इन सिपाहियों को खत्म करना होगा। मैं करता हूँ। टेरा चार्जर एंगेज। लाइटनिंग स्ट्राइक। डायनो चार्जर रेडी, एक्टिवेट। डायरेक्ट सुपर चार्ज रेडी। अब कोई फायदा नहीं है। डायनो विक्ट्री चार्जर रेडी। डायनो विक्ट्री चार्जर एंगेज। डायरेक्ट सुपर चार्ज विक्ट्री। फाइनल स्ट्राइक। मेरा खेल खत्म हो गया। ऑसम। उन रेंजर्स को खेलने का बड़ा शौक है ना। पूरी टीम को बना दो बड़ा। लगता है खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ओवर टाइम शुरू हो गया रेंजर्स। चलो अपनी टीम को भी थोड़ा और बड़ा बनाएं। डायनो चार्जर्स रेडी। जॉर्ड्स जॉर्ड्स एक साथ आओ। डायनो सुपर ड्राइव एक्टिवेट। डायनो चार्ज मेगाजॉर्ड। यस योर चार्ज मेगाजॉर्ड। डायनो चार्ज मेगाजॉर्ड रेडी। बुराई है एक खेल जीत होगी बुराई की। हम तैयार हैं। उन्हें बेसबॉल्स मार मार कर खत्म कर दो। टेराजॉर्ड ब्लास्ट। चलो उन्हें अपना कर्व बॉल दिखाएं। ये प्लान काम करेगा। हमने उन्हें घेर लिया है। ब्लेस यू ब्लास्ट। मैं तो गया। एंकलोजॉर्ड हैमर पंच। तुम अभी जीते नहीं हो, अभी तो मैंने अपना असली जोर दिखाया ही नहीं है। दिखा दो गेम फेस, मुझसे कुछ नहीं बचता। येलो आई मेरी तेज फास्ट बॉल। कौन से फास्ट बॉल्स नहीं फेंक रहा है? मैंने इसी की ट्रेनिंग ली है। वो तो मेरी चाल मुझ पर ही आजमा रहे हैं। एक साथ आएंगे, उसे मिलकर खत्म करेंगे। एक्टिवेट ब्लेस योर चार्ज मेगाजॉर्ड बैकर एक्सफॉर्मेशन। सोर्ड एक साथ आ। ब्लेस योर चार्ज मेगाजॉर्ड और बैकर एक्सफॉर्मेशन रेडी। हम लड़ते हैं जीतने के लिए। एक चैंपियन हमेशा बैकअप रखता है। पर तुम चैंप नहीं। डायनो सुपर चार्ज सेवर एक्टिवेट। डायनो चार्जर एंगेज। डायनो सुपर ड्राइव सेवर गैलेक्टिक ब्लास्ट। हमें वापस गेम में जाना होगा। अब बस एक ही प्लेयर बचा है और अर्थक्वेक्स के दो प्लेयर्स आउट हो गए हैं। कोच टेड, हम आ गए। तुम कहाँ थे? स्कोर अभी बराबर है। कुड़ा, अगर हमें जीतना है तो तुम्हें एक होम रन मारना ही होगा। कह दो तुम ये कर सकते हो बच्चे। मेरे पास जादुई बैट नहीं, नहीं मार सकता होम रन। hey, कोडा, उस बैट में कुछ भी नहीं था। तुम होम रन के बारे में सोचो ही मत। hey, अपनी सारी ट्रेनिंग भूल जाओ। अपने दिल से सोचो। सोचो तुम शिकार पर हो। ये है तुम्हारी कथा। जब तुम्हारी तरफ कुछ आए तो उसे मारना, आदि मानव बनकर। तुम कर सकते हो दोस्त।
अपनी सारी ट्रेनिंग भूल जाओ, अपने दिल से सोचो। रुको, क्या कर रहा है?